केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। भाजपा बेस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रही है, सबके साथ अच्छा कर रही है, लेकिन जो दल्ले हैं, छुटभये नेता हैं, वे पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। स्थानीय विधायक दिनेश खटीक का नाम लेते हुए धमकाते हैं और अब तेजाब डालने की धमकी दे रहे हैं। यह पीड़ा है सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला की। इकराम नगर मवाना निवासी महजबी नाज ने आज मीडिया को यह जानकारी दी। मेरा नाम महजबी नाज है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं 2007 से सामाजिक काम करती हूँ। अभी कुछ दिन पहली बात है, 2021 में मैंने एक लाइन मैन को, तुषांग नाम है उसके, फादर का नाम है सुभाष, मैंने उसको 5,000 रुपये दिया कि मेरे घर में आप लाइट लगवा दो। ना तो उन्होंने मेरे घर में केबल लगवा दिया खाली, ना तो मीटर की स्लिप दी, ना ही मीटर लगवाया। 3 महीने तक मैं चक्कर काटती रही। उसके बाद में मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ FIR करा दूँगी, तो उन्होंने मेरे घर दबिश डलवा दी कि मैं नंबर 2 का काम कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने सारा केस फाइनल कर दिया, मैंने पैसे भी छोड़ दिए। अब 2023 चल रहा है, जून के टाइम से उन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा। जहाँ भी वो मुझे मिलते हैं, मेरे साथ गाली गलौज से मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं। मैं कहती हूँ थाना जाऊँगी तो मुझे बोलते हैं हम विधायक जी के आदमी हैं, वो भी खटिए कर, हम भी खटिए कर, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कौन से विधायक जी का नाम लेते हैं? तुषांग लेता है नाम। नहीं, कौन से विधायक जी का? ये दिनेश खटीक जी का नाम लेते हैं। अच्छा। भाजपा सरकार अच्छी है, बेस्ट है, सबके साथ अच्छा कर रही है, मगर ये जो दल्ले हैं ना, छुट भैया जो हैं, ये दलाल जो हैं, ये बहुत ज़्यादा पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। क्या नाम है उनके जो आपको धमकी देते हैं? तुषांग नाम है, तुषांग खटीक। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है तोशीर। क्या करते हैं ये लाइन मैन है, फर्जी लाइन। अब क्या धमकी दी है इन्होंने आपको? अब तो मुझे ये कह रहे हैं, अभी मुकदमा दर्ज कर दिया CO साहब ने इनके खिलाफ। अच्छा। 506 है, मां से जान से मारने की धमकी है, और मेरे साथ इन्होंने मारपीट भी करी है, मेरा गला पकड़ा है, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए इन लोगों ने। मेरा घर जंगल में है। अब मुझे, मेरी 3 जवान बेटी है, बोलते हैं तू बाहर तो निकल, क्या तो तू केस वापस लेगी, या तू बाहर निकल तेरा हम इलाज करेंगे, तेरे पर हम तेजाब डाल देंगे। मेरे घर में मेरी 3 बेटी, तीनों बेटी कॉलेज नहीं जा रही, घर भयभीत है बहुत ज़्यादा, और ना तो थाने ने आज तक कोई का उन पर दबिश डाली है, ना कोई चार्जशीट दी है, और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। आज आप कप्तान से मिले हो, कप्तान साहब ने क्या सुन लिया? SP आर्य सर से मिली हूँ, SP आर्य सर ने CO साहब को आदेश करे हैं, जो भी करे हैं। मुझे तो न्याय चाहिए, ठीक ठीक, मुझे अपने बेटे की सेफ्टी चाहिए, मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए, और इन लोगों को मैं चाहती हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि इन्होंने मवाना के अंदर कम से कम सारा बिजली विभाग मिला हुआ है। ये मवाना थाना की एक महिला है, जिन्होंने एक मुकदमा मवाना थाने पर मारपीट का और गबन करने का लिखाया है। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि जो मुलजिम है उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है, और वो दोबारा धमकी दे रहे हैं और तेजाब वगैरह फेंकने की बात कह रहे हैं। वो इस संबंध में पूरी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और अभियुक्तों के खिलाफ भेषज प्रचलित है, जिसमें मेरे द्वारा भी इंस्पेक्टर और CO साहब को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया। बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।